द्वितीय सावन और पुरुषोत्तम मास में दर्री क्षेत्र के स्याही मुड़ी बस्ती में एक मुस्लिम परिवार में ब्रह्म कमल के 8 से ज्यादा पुष्प खिलने से आसपास में खुशियां बिखर गई। जिसने भी खबर सुनी मौके पर पहुंचकर ब्रह्म कमल के दर्शन किए और नतमस्तक हुए। ब्रह्म कमल को लेकर कई प्रकार के विचार व्यक्त किए जाते रहे हैं। इन सब के बावजूद सर्वसम्मत बात यह है कि हर कोई इसके प्रति आदर रखता है। दर्री जलगांव के स्याहीमुड़ी क्षेत्र में निवासरत ठेकेदार इमाम हुसैन के घर पिछली रात ब्रह्म कमल के एक दो नहीं बल्कि 8 फूल खिले तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी खुशबू से आसपास का वातावरण महक उठा। एक्का दुक्का खिलता था जी, और अभी वर्तमान में जो खिला कंटिन्यू दो दिन, एक दिन 8 फूल खिले, दूसरे दिन भी 8 फूल खिले, और ये खुशबू बेहद आता है। इसके बारे में हमने चर्चा सुना था कि ब्रह्मा जी के नाभि से फूल निकलता है और हिमालय की तराई वगैरह में ज्यादातर पाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जब फूल खिला तो बड़ी खुशी हुई, खुशबू से पूरा भर गया। सावन के पवित्र महीने में बड़ी संख्या में ब्रह्म कमल के खिलने की जानकारी होने के साथ हिंदू समाज के लोग भी यहाँ पहुंचे और नतमस्तक हुए। इतना आनंद आया कि अब रात के माहौल में किसको मैं बताते रहूं, है ना, जी जी। जिनको बताया तो पहले बार तो ऐसा हुआ कि बहुत लोग आए यहाँ से नतमस्तक होके गए। कुछ वर्ष पहले गृहग्राम से लौटने के दौरान एक जगह पर यह पौधा इमाम हुसैन की बेटी को दिखाई दिया था, जिसकी एक साख वह अपने घर लाई थी। शुरुआत में इक्का दुक्का फूल खिलने शुरू हुए और फिर इसका रिकॉर्ड बन गया। ये पौधा लोग बाई रोड आ रहे थे, ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके थे, तब तक हमारी बेटी का नजर गया वहाँ पर, ये ब्रह्म कमल, उसको पता था कि ये ब्रह्म कमल है। हाँ, तो एक छोटी सी टहनी वहाँ से वो ले गई, हमको भी नहीं बताई। आने के बाद यहाँ जब लगाई तो बोली कि ये ब्रह्म कमल है, मैं वहाँ से ढाबे से मैं लेके आई। जब ये धीरे धीरे पनपने लगा, विकसित होने लगा, तो कली इस पर पहले तैयार होता तो सीधी रहती है, कली पत्ते से निकलता है। रात को 8 बजे पूर्ण विकसित होना शुरू होता है, रात को 12 बजे तक पूर्ण विकसित होता है, और रात के 12 बजे के बाद से ये फिर इसका मुंह बंद होना शुरू होता है, और सुबह होते होते पूरा बंद हो जाता है। ब्रह्म कमल पुष्प को लेकर इस तरह की मान्यता भी बनी हुई है कि जहां पर यह अपनी उपस्थिति दर्ज करता है और जो लोग इसके दर्शन के साक्षी बनते हैं उन्हें उत्कर्ष प्राप्त होता है। जमनीपाली से मणिपाल निमजा के साथ संतोष पटेल की रिपोर्ट।